इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हिंदुस्तान के पूर्व खेल मंत्री किरण रिजिजू इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं और उनको तो बधाई बनती है क्योंकि उन्होंने जो सपोर्ट किया है ना अपने खिलाड़ियों को, और ऐसा सपोर्ट मैंने 20-24 साल के करियर में इस तरीके का सपोर्ट खेल मंत्री से मैंने नहीं देखा है। हालांकि किरण रिजिजू जी भले ही इस वक्त खेल मंत्री नहीं है, कानून मंत्री बन गए, लेकिन ये जो अगर आज सक्सेस हम देख रहे हैं तो एक बहुत बड़ा श्रेय जाता है किरण रिजिजू जी को भी। किरण जी, अगर आप मेरी आवाज सुन रहे हैं तो बहुत बहुत बधाई है आपको भी। क्या कहेंगे इस मेडल पर आप, सबसे पहली प्रतिक्रिया आपकी? जी, आप सबको नमस्कार। सबसे पहले तो पूरा देशवासियों के ओर से मीरा भाई छानू को अभिनंदन करना चाहता हूँ, बधाई देना चाहता हूँ। उन्होंने देश के लिए पहले ही दिन टोक्यो ओलंपिक्स में फर्स्ट डे में पहली बार सिल्वर मेडल वेट लिफ्टिंग में जीता करके देश को एक बहुत अच्छा स्थान में दिलाया और हमारे झंडा को टोक्यो में फहराया। मैं बहुत बहुत खुश हूँ निजी तौर पर, देशवासियों की ओर से हम लोग अभी सेलिब्रेशन के मूड में है। किरण जी, हमने देखा कि आप लगातार चीयर फॉर इंडिया करके कैंपेन चला रहे थे और एक एक जो जो घटना घट रही है या किस तरीके से तैयारी होनी चाहिए आप उस पर पूरी नजर बनाए हुए थे। आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या थी, नर्वसनेस थी क्या आप में भी, क्योंकि हर खिलाड़ी में होती है नर्वसनेस? हाँ, क्योंकि मैं पर्सनली सबके साथ जुड़े हुए थे तो थोड़ा नर्वस होते हैं कि कहीं गड़बड़ ना हो जाए। तो मेरा भाई का जब ट्रेनिंग चल रहे थे तो वो इंजरी हो गए थे, काफी उसका सीवियर इंजरी हो गई थी, तो उसको अमेरिका भेजा और अमेरिका में उसको फिजियो के साथ वहां स्पेशल ट्रेनिंग प्लस उसका कंडीशनिंग करवा के फिर वापस उसका नॉर्मलसी मिलाई और फिर अपना ट्रेनिंग को बहुत अच्छी तरह से उन्होंने किया। बहुत मेहनती लड़की है, बहुत फोकस्ड है और उन्होंने मुझे वादा करके गए कि सर मैं देश के लिए मेडल जीत के लाऊंगा, तो हम बहुत खुश हैं आज। जी, और हम सब भी बहुत खुश हैं और वाकई में हमारी देश की एक बेटी इतना नाम ऊंचा करती है देश की, किरण जी। और किरण जी, मीरा भाई से आपकी बात हुई, आपने जिस तरीके से कहा, जिस तरीके से आप इन्वॉल्व रहे हैं, तो मीरा भाई के कैरेक्टर में हमने एक चीज देखा कि मतलब वो स्माइलिंग असैसिन कहते हैं ना, वो उस तरीके की थी, गई और मुस्कुराते हुए सबको पटक दिया वहां पर। बिल्कुल, बहुत ही फोकस्ड थी और उन्होंने बहुत ही एक प्रोफेशनल खिलाड़ी जैसे होते हैं उसने प्रदर्शन किया। बहुत ही संतुलित थी, बहुत ही फोकस्ड थी, नर्वस नहीं थी, प्रेशर को अपने ऊपर आने नहीं दिया और अपना जो बेस्ट परफॉर्मेंस को उसने दिया है, बहुत स्मूथ एग्जीक्यूशन रहा है उसका। तो मैं कह सकता हूं कि जो उन्होंने प्रोमिस किया, जो मेहनत किया, इतने वर्षों बाद जो तपस्या था वर्षों की, वो रन लाई और देश के लिए मेडल जीत के लाई है। बहुत बहुत बड़ी उन्होंने काम किया है। जी जी, किरण जी, एक और बहुत अहम सवाल मेरे जहन में आया और वो ये कि नॉर्थ ईस्ट से, मणिपुर से आई है, साइकिल चलाकर जाती थी बहुत दूर तक, तो ये जो गांव से आते हैं, मणिपुर से, नॉर्थ, आप खुद भी नॉर्थ ईस्ट से आते हैं, ये जो नॉर्थ ईस्ट के हमारे एथलीट्स हैं इनमें कुछ खास खासियत होती है, एक्सप्लोसिवनेस बहुत होती है, वेट लिफ्टर्स, बॉक्सर्स, फुटबॉलर्स, तो इसी तरीके से आप खास तौर पर ये नॉर्थ ईस्ट के एथलीट्स पर खास ध्यान दिया आपने, खासकर जैसे मीरा भाई चानू की अगर हम बात करें? हाँ, हमारा तो ये था कि गांव से, रूरल एरिया से, गलियों से टैलेंट्स को निकलना। मीरा भाई का कहानी सबको मालूम है, गांव में थी और वो, उसको पता ही नहीं था कि खेल क्या होती है, तो जंगल से लकड़ियां लेती थी, तो उसके माँ ने, उसके परिवार वाला ने कहा कि इतने बड़े बड़े लकड़ी उठाते हैं वो, तो तुम इतना ताकत है तो कुछ हो सकता है, तो फिर बाद में उसको आइडेंटिफाई करके वेट लिफ्टिंग में लाई। तो उनका बहुत, उसका जीवन, उसका जो सफर देखेंगे तो बहुत ही गरीब और बहुत ही एक सिंपल फैमिली, हम्बल बैकग्राउंड से आती है, तो आज वो स्टार बन गई है। तो ऐसा ही अगर करते रहेंगे तो इससे पूरा देश के युवाओं को एक प्रोत्साहन मिलेगा, इंस्पिरेशन है मीरा भाई सबके लिए। बिल्कुल बिल्कुल सर, हमें खुद सब इंस्पायर हो गए, यहाँ पर हमें जोश आ गया स्टूडियो में खड़े होकर, तो निश्चित तौर पर ये हर किसी को जोश दिलाएगा। किरण जी, फोन करने वाले हैं डोप टेस्ट के बाद, जब मीरा भाई फ्री होगी कॉल करेंगे आप उस मीरा को? हाँ, अभी तो वो जीत के आए हैं तो मैंने खेल से पहले तो फोन नहीं किया, अब वो जीत गए हैं, थोड़ा देर में मैं उसको फोन करूंगा और उससे बात करूंगा। उन्होंने मुझे वादा किया कि मेडल लेके आएंगे, तो
और पूरा प्रधानमंत्री जी को पूरा देश को उन्होंने वादा करके गए हैं कि हम मेडल जरूर लेके आएंगे, तो उन्होंने अपना काम पूरा किया, तो मैं उसको फोन में बात करके फिर बधाई देंगे। किरण जी, अब आप क्योंकि उन्होंने देखिए वादा किया तो उन्होंने वादा निभाया है, अब आप इसे कैसे सेलिब्रेट करने वाले हैं, कैसे उनका सम्मान होगा, कैसे हौसला अफजाई होगी, आपने इसके लिए भी तो कुछ ना कुछ जरूर सोचा होगा। हाँ बिल्कुल, वो खेल मंत्रालय के माध्यम से इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन वेट लिफ्टिंग फेडरेशन से तो करेंगे, और मैं अपने निजी तौर क्योंकि वो मेरे बहुत करीब रहे हैं और सब खिलाड़ियों से मेरा पर्सनल बहुत ही निजी सबसे नाता रहा है, तो मैं उसको घर में बुलाऊंगा वो आने के बाद, और बहुत उसको मैं जो दिल की बात है उसको बताऊंगा। जी हाँ, और आप उसके फेवरेट फिश और मटन और वो खाती हैं, वो भी आप जरूर बनाएंगे नॉर्थ ईस्ट के अंदाज में। मुझे मालूम है कि बहुत बेहतरीन वहां पर लंच या डिनर होने वाला है जब मीराबाई लौट के आएगी, वो भी किरण जी के घर में। किरण जी, एक आखिरी सवाल आपसे मैं पूछना चाहूंगा, क्योंकि मीराबाई अभी 25-26 साल की हुई है, कम से कम 2 ओलंपिक्स उनमें बचा हुआ है, तो यहां से आप कहने वाला हूं कि अगले साल एशियन गेम्स है, फिर अगले साल ही कॉमनवेल्थ है, और उसको मैं ये कहूंगा कि आगे 2024 में पेरिस ओलंपिक्स तक कम से कम वो खेल ना छोड़े, और देश के लिए वो मेडल जीत के लाने का जो उनका सपना है और आगे बढ़ाते रहे, मैं यही कहूंगा उसको। किरण जी, बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं एक बार फिर से आपको और सभी देशवासियों को। आपको स्पेशल थैंक यू किरण जी, जो आपने इस बार एथलीट्स के लिए किया है ना, वो वाकई में इतना काबिले तारीफ है कि हम पीछे इतिहास में तुलना नहीं कर सकते जो कंट्रीब्यूशन आपका रहा है। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद, सबका योगदान है, प्रधानमंत्री जी का बिल्कुल सबसे बड़ा योगदान है, हम लोगों को इतना काम करने का मौका दिया खेल के क्षेत्र में। बहुत बहुत धन्यवाद किरण रिजिजू जी टीवी को समय देने के लिए। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।